मॉर्निंग गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डे 5 हॉर्न ओके बीच मिशन 3.0 में आपका स्वागत है। ब्यूटीफुल डे खिला हुआ है। ये लेडी यहाँ पे खड़ी हुई है और ये लेडा मतलब ये मेरा दोस्त आ चुका है दिल्ली से। कल रात ही आया, बारिश हो रही थी, अभी शांत है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कहाँ के लिए? हम्पी साइड। हम्पी तो आज हम लोग जाएंगे साउथ गोवा, गोवा टू हम्पी। बाकी तो, जहाँ तक पहुँचे वही मंजिल। हाँ, जहाँ तक पहुँचे वही मंजिल है। और अपना ड्राइव हो रहा है अपनी किया सेल्टोस से। तो चलो शुरू करते हैं जर्नी। यहाँ पे सीट्स, इस बार कैमरा पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। तो यहाँ का जो सॉइल है ना, वो बहुत ये है, पोषक है। और इस सीजन में तो मजे ही मजे। इस बहुत अच्छे कॉज में आप सब जुड़िए, साथ दीजिए, जैसे भी दे। जर्नी शुरू करते हैं। बाय उजाला, थैंक यू सो मच। बाय बाय आंटी, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू। वो मेरे साथ है अभी अतुल जी, जो कि आया है दिल्ली से इस मिशन को ज्वाइन करने के लिए। खास लास्ट एक ईयर से ये मेरे पीछे मतलब बात कर रहे हैं। हम लोग मिले थे वियतनाम में, और जब इनको पता चला कि मैं ऐसे ऐसे मिशन पर जाने वाला हूँ, तब से ये मेरे कॉन्टेक्ट में है और बहुत मोटिवेटेड है इस चीज़ को लेकर के कि पौधे लगाने चाहिए, नेचर के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज फाइनली ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनका एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, जो कोई नाम है इसका इनविजिबल विंग्स, राइट? ओके, तो अतुल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने इनका नंबर जो है वो सीड बैंक के नाम से ही सेव कर रखा है। क्या बात है। तो मैं तो जो ये कर रहे हैं कि आप, नेचर ने आपको इतना कुछ दिया है, आप भी कुछ वापस गिविंग बैक, जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं जुड़िए, क्योंकि मुझे पता है मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो एक बार अगर कोई वेंटिलेटर पे आता है ना, तो ऑक्सीजन के लिए उसको कम से कम एक दिन का 1,00,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो अगर कुछ चीज़ फ्री में मिल रही है, तो आप उसको, उसकी वैल्यू करिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं, जितना से ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, करिए। बहुत अच्छी बात कही अतुल भैया। पेट पूजा करते हैं। ये है यहाँ का एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट, जो कि है मदर्स रेसिपीज करके। यहाँ पे जाके कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं पहले। ये देखो, इनकी न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आए हुए हैं बहुत सारे। तो बहुत फेमस है और काफ़ी रिजनेबल है। ये इनके मेनू है, काफ़ी रिजनेबल है। और मेन बात ना, प्योर ऑथेंटिक मिलेगा आपको यहाँ पे खाना। ये ऐसा कुछ है इनका डाइनिंग एरिया। ये है यहाँ का पूरी भाजी, और दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। और आलू यहाँ पे दो टाइप के लग रहे हैं। ये आलू का अलग है, ये आलू का अलग है। ये छिलका वाला आलू है, ये बिना छिलके वाला है। और चने चावली है, ओके। और ये पूरी है। गोवा में डीजल का रेट है 88.14, डेंसिटी भी अच्छा है। और अपनी किया सेल्टोस गाड़ी काफ़ी अच्छी है ये। अगर आपके पास, किसी के पास है तो बताना, कमेंट करना, और कैसे परफॉर्म कर रही है वो भी बताना। ये एक्चुअली डीजल में है, और आपके पास कौन सा है वो भी बताना। इसका एक ही प्रॉब्लम था DPF का, अभी फ़िलहाल तो वो सॉर्टेड है, बट पता नहीं चल रहा है तो चल रहा है। तो लगभग 44 लीटर डीजल आया है 3900 का। चलो ये देखो, हमें वहाँ से कहीं से जाना है, पहाड़ों में से। तो ये रास्ता है गोवा टू हम्पी वाला। तो ये पहाड़ दिखने लगे, पहाड़ों का नज़ारा, और नीचे है पानी, बैक वाटर। और ये देख सकते हैं, अभी जो है वो रास्ता पूरा घाट वाला आने वाला है। तो हम लोग, घाट और जंगल है, तो घाट और जंगल में हम लोग ये लगाएंगे, सीड लगाएंगे। खूबसूरत जगह पे आकर के हम लोग रुके। ये है यहाँ का एक व्यू पॉइंट, घाट में है अभी हम लोग। और ये देखो, पूरे जो क्लाउड्स है वो आकर के बैठे हुए हैं माउंटेन्स पे। वहाँ पे सामने जो है वो है वाटरफॉल, और हम लोग करने वाले यहाँ पे सीडिंग। यहाँ पे हम लोग कुछ बीज फेंक देंगे बस, बाकी तो कुछ नहीं है क्योंकि ये जंगल है। बट फिर भी आए हैं, रुके हैं, तो बीज फेंक के जाएंगे यहाँ पे। ये सीताफल के बीज तो ऐसे ले लो,
ऐसे पकड़ो और ऐसे फेंको। ये सीताफल है, सीताफल के हाँ उधर से लेना। ये इसे डालेंगे ना भाई, तो बारिश है आराम से आ जाए। तीन नीम का तीन बोरी है और दो बोरी ख़त्म कर दिया आते आते। ये कस्टर्ड एप्पल है, ये कस्टर्ड एप्पल है। ये यहाँ पे मीटिंग चल रहा है हमारा तो कुछ लोग आए हैं जो कि यहाँ पे रुके हुए हैं, तो उनको भी दिखा रहे हैं हम लोग और बोल रहे अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। पूरा जंगल का रास्ता है और मस्त बारिश आ रही है, कभी धूप आ रही है और मस्त मज़ा आ रहा है। तो ये अपना आज का लंच है और चपाती और सेव टमाटर। यार इसको चलाने में तो अच्छा लग रहा है, कैसा है किया? बहुत बढ़िया। तो अभी अतुल भाई ड्राइव कर रहे हैं, किया सेल्टोस का रिव्यू देंगे। फर्स्ट टाइम किया सेल्टोस चला रहा है अतुल भाई। आज पूरा जर्नी जो होगा वो हमारा होगा गोवा से लेकर के हम्पी तक का। तो लगभग अभी और हम्पी में एक बात मैं आपको सॉरी रोकना चाहूंगा, हम्पी में बहुत सारी जगह हैं जो घूमने की है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो वो भी दिखाएंगे आपको साथ। हाँ जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे ना वो सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने की, और जहाँ भी पॉसिबल होगा वहाँ पे हम लोग सीट लगाएंगे और जहाँ पे नहीं पॉसिबल वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। चलो हमारे मिशन में सहयोग करो और ज्वाइन करो हमारे मिशन को। ये देखो ये रेलवे का ब्रिज देखो कितना ज़बरदस्त है, और वो सामने रेलवे जा रही है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मालगाड़ी है और ये सिंगल रोड है। एक और टोल हमें फ्री मिला है और यहाँ पे हमने थोड़ा चाय नाश्ता किया है, अब आगे निकलते हैं। अभी भी 100 किलोमीटर के आसपास बाकी रहेगा शायद, देखते हैं। चलो यहाँ से जो है अपना डिस्टिनेशन है 103 किलोमीटर और 7:30 बजे का टाइम दिखा रहा है अराइवल का। ये देखो ये मौत का कुआं जा रहा है आगे, और ये जो गिट्टी लेके जा रहा है ना पूरा रास्ते पे गिराते हुए जा रहा है। अगर कोई यहाँ से टू व्हीलर वाला जा रहा है पीछे से या फिर ये कार पे इतने जोर से आ रहा है ना, देखो शूटिंग स्टोन जैसा ही है। ये देखो सामने के पहाड़ जो है ना वो पूरे पथरीले पहाड़ हैं। महाराष्ट्र में जो देखे वो प्लेन वाले पहाड़ थे, उस पर घास वगैरह थी अच्छी खासी। यहाँ पे जो है ये देखो पत्थर है, पूरे पत्थर वाले, मतलब ठोस वाले पहाड़ है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो हम अलग टाइप के पहाड़ देखेंगे, लद्दाख जाएंगे तो बर्फीले गंजे पहाड़ देखेंगे। तो इस तरह के टेरेन चेंज होते रहेंगे पूरे जर्नी में। और कार जो है अपनी 22.3 का माइलेज दे रही है, किया सेल्टोस, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। और इसका ये जो यूनिट है ना ये सारे इतने यूज़फुल है, ये मतलब यहीं पे बैठे बैठे आप इसका टायर प्रेशर चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहीं से नेविगेट कर सकते हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये जो हो गया ये नेविगेशन सिस्टम भी हो गया, ये भी बहुत अच्छा है, इसका यूज़फुल है मेरे लिए। तो पहले यहाँ पे फ़ोन रख के उसको यूज़ करना पड़ता था, बट काफ़ी अच्छी है। आपकी किया कैसी है बताना। ये अभी होस्पेट है ना, ये होस्पेट हम्पी पहुँच चुके हैं हम लोग, अभी जा रहे हैं जहाँ पे वो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाए। कहाँ जा रहे पता नहीं, रोड ख़त्म हो चुकी है और ये जो रोड है ये पत्थर की रोड बनी हुई है, दिख रहा है पत्थर का रोड, और साइड में ना बड़े बड़े पत्थर है। बाप रे लाइट दिख रहे हैं आगे, इसलिए थोड़ा सा हिम्मत आ रहा है, और अतुल भाई है इसलिए तो डर नहीं लग रहा है। तो ये है भाई विरूपक्ष मंदिर, और यहाँ पे जो है वो पूरा रामायण जो था वो यही एरिया में था, हनुमान का जो जन्म हुआ था वो इसी एरिया में हुआ था। वो जो लाइट दिख रहा है अभी तो दिख नहीं रहा है शायद आपको, बट सुबह जो है मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, दूसरे वीडियो में आएगा वो सारी चीज़ें। तो जो शबरी थी उन्होंने भी राम को जो बेर खिलाए थे वो यहीं पर हुआ था। फिर जो बाली का जो वध हुआ था, राम ने जो वध किया था बाली का, वो भी यहीं पर हुआ था, वो गुफा भी यहीं पर है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे, सारी जगह पर आपको दिखाएँगे जा कर के। तो आज तो ये जर्नी हमारा हुआ कोलवा गोवा से हम्पी तक का, और पूरी जर्नी में हम लोगों ने आज बहुत सारे सीट भी लगाए और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करी। तो चलो ये वीडियो यही एंड कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।